सो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये वेब एप्लीकेशन है, और आप जो ये देख रहे हैं इसे फ्रंट एंड वेब डिज़ाइन कहते हैं। और यही नहीं तो जो भी साइट्स है, लेट्स सी आईसीआईसीआई, दिस इज ऑल्सो देन LIC इंडिया, IRCTC, ये जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्रंट एंड है। बेसिकली ये एक वेब डिजाइन है। आपको ये डिजाइन करना आना चाहिए सबसे पहले। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर, ये एक वेब एप्लीकेशन है, आप इसे सॉफ्टवेयर कह सकते हो जो रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, या अगर आप कोई बैंक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है LIC इंडिया, ये जो पेजेस है, ये जो फ्रंट एंड है इसे आप फ्रंट एंड कहते हैं, वेब पेजेस कहते हैं। ये जो बनाया जाता है इसका एक आर्किटेक्चर आपको डिसाइड करना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका जो UI पार्ट है, ये पूरा UI पार्ट है आपका। आप अगर कहीं पे क्लिक भी करते हो तो नया लिंकिंग ओपन होता है। बेसिकली अगर किसी को HTML आता है, बट ये जो पार्ट है पूरी तरह से स्ट्रक्चर करना, ये मेन्यू आपका यहाँ पे होना चाहिए, सर्च बार यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो ड्रॉप डाउन की मेन्यू है ये कैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू आना है, ये बहुत ही कम लोगों को आता है। और मोस्ट ऑफ द करके फ्रंट एंड डेवलपर की बहुत डिमांड होती है, यानी वेब डिजाइनर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसका रीज़न ये है कि आप बैक एंड जो है, मतलब बाकी का जो सॉफ्टवेयर है, अभी हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि पूरा सॉफ्टवेयर जो बनता है, आपकी जो एप्लीकेशन बनती है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे ICICI बैंक का। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर है। अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र है, लॉगिन करना चाहोगे तो आप लॉगिन कर सकते हो। आपके आपका जो अकाउंट है, यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए, और वो पासवर्ड, आप अगर अकाउंट user ID और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाना बहुत ही बड़ा काम नहीं होता, बहुत सारी टीम अवेलेबल होती है ये बनाने के लिए, और इसके हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, चाहे ICICI बैंक का सॉफ्टवेयर हो, चाहे LIC लाइफ कॉर्पोरेशन हो, या आपका जो IRCTC का, आप अगर आप ये देख रहे हो रेलवे रिजर्वेशन बुकिंग का, और या आपका कोई कॉलेज रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है जो वेब बेस्ड होता है, तो इसमें तीन डिपार्टमेंट आते हैं, तीन लेयर इसमें आ जाती है। तो सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर में जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो कौन से तीन डिपार्टमेंट होते हैं, ये हम लोग पेंट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आर यू एबल टू सी माई पेंट स्क्रीन ऑल ऑफ? यस सर। ओके, ग्रेट गाइज। तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगी कि जब सॉफ्टवेयर आप रियल टाइम वर्क करोगे तो कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना अच्छा रहेगा, और कौन सा आपको इजी पड़ सकता है, इसके लिए भी आपको गाइडेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले, पहला जो सब लोग फेस करते हैं, आप जो यूजर होता है, जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करता है, एप्लीकेशन को यूज करता है, उसे हम लोग यूजर कहते हैं। और हम लोग अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अभी हमारे मोस्टली करके दो तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, दो तरीके से। पहला है वेब बेस, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है वेब बेस, और दूसरा आप लोगों के सबके पास मोबाइल है, मोबाइल ऐप से आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हो। दो तरीके से आप लोग कर सकते हो। पहला जो पार्ट है वो है आपका वेब, और दूसरा जो है वो मोबाइल ऐप। कोई भी मोबाइल ऐप हो सकती है, एंड्रॉयड हो सकती है आपकी, एंड्रॉयड हो सकती है आपकी,
या आईओएस हो सकती है, कोई भी। तो ये जो इंटायर पार्ट होता है किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने का, जो यूज़र यूज़ करता है, चाहे वेब बेस हो या चाहे मोबाइल बेस हो, इसे आप कहते हैं यूज़र इंटरफेस। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं आप लोग यूज़र इंटरफेस। ये जो है गाइस, ये है आपका यूजर इंटरफेस, ये है आपका यूजर इंटरफेस। पहला जो पार्ट होता है ये आपका होता है यूजर इंटरफेस। या तो आपका मोबाइल ऐप का एंड्रॉइड आप अगर बनाना चाहते हो तो एंड्रॉइड ऐप बनाते हो। देन वेब बेस के लिए, वेब बेस जो होता है, जो ब्राउजर से आप लोग यूज करते हो, इसके लिए आपको सीखना होता है। जो अभी अभी हमने देखा है, ये सारी जो है ये वेब बेस एप्लीकेशन है अगर आप ओपन कर रहे हो तो। और इसकी मोबाइल भी ऐप होती है, एंड्रॉयड हो या आईओएस, ये दोनों होती है। ये देखिए, ये जो पूरा बनाया हुआ है, ये बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये डिज़ाइनिंग करने के लिए जो इस्तेमाल हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है मोस्टली ये दो पार्ट। पहला है HTML, दूसरा है CSS, और तीसरा एडिशनल जो लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आता है वो है बूटस्ट्रैप। ये तीन चीज़ों से वेब बेस्ड जो डिज़ाइनिंग होती है, आप कितनी भी अच्छी खूबसूरत, जितना आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा, उतना आपका सॉफ्टवेयर अच्छा माना जाएगा, जितना इजी टू यूज होगा। और ऑल डिवाइस उसे कंपैटिबल होने चाहिए। जो आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे वो मोबाइल में भी अच्छे से दिखनी चाहिए, लैपटॉप में भी अच्छे से दिखेगी, इवन दो सम कुछ डेस्कटॉप होते हैं वहाँ पे भी अच्छे दिखनी चाहिए। तो इसके लिए ना हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिव। एक ही साइट सभी जगह पे अलग अलग साइट से अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग, हमारा ये जो सेशन है, पहला है फ्रंट एंड का, जो वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन की डिज़ाइन होगी वो हम लोग ये कंटेंट यूज करके करेंगे। हाँ, लेकिन इसका जो डेटा होता है, अगर आप कोई एप्लीकेशन लॉग इन कर देते हो, यूजर नेम और पासवर्ड, जब आप कंटिन्यू टू लॉग इन करते हो, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और बाकी आपकी अकाउंट की इंटायर डिटेल जो है वो आती है सर्वर से, यानी बैकएंड से, जहाँ से ये डिटेल्स आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका भी फेसबुक का अकाउंट ऑलमोस्ट सबके पास होगा, बैंक का नहीं होगा बट फेसबुक का सबके पास हो ही जाएगा। देन ट्विटर का भी ओपन करते हैं, लेट्स सी ट्विटर मोस्ट ऑफ द करके। तो ये जो डिटेल्स है, जैसे कि मैंने अगर लॉग इन किया फेसबुक में या ट्विटर में लॉग इन किया, तो पूरी जो इंफॉर्मेशन आती है ये कहाँ से आती है? तो आपके पास एक सर्वर होता है, एक नया एंटिटी यहाँ पे, ये सर्वर होता है, यहाँ पे बाकी का जो डेटा है और एप्लीकेशन होती है ये सर्वर पे डिप्लॉयड होती है, और ये सर्वर जो है इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होता है, और ये जो यूआई है ये भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होती है। तो ये जो कनेक्शन है इस तरह से कनेक्टेड होता है, यानी कि यूजर इंटरफेस आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। अब इस सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, ये जो आप देख रहे हो, ये आईआरसीटीसी लाइफ इंश्योरेंस, ये जो पूरा डिजाइनिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें जो डेटा आता है, यूजर जब लॉग इन करता है तो उसकी पॉलिसीज की डिटेल आएगी, स्टेट ऑफ एसबीआई का, जो अगर लॉग इन करोगे तो आपका बैंक बैलेंस आपको दिखाई देगा पूरा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड की जाती है सर्वर से। अभी सर्वर की कोडिंग करने के लिए जो मेन एप्लीकेशन बनाते हैं उसे कहा जाता है बैकएंड। सिर्फ डेटा लाया जाता है,
मैं ये डेटा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डेटा कैसे आता है। ये जो है इसे कहा जाता है बैकएंड, ये जो सर्वर की प्रोग्रामिंग है इसे कहा जाता है बैकएंड। और ये जो बैकएंड है ये क्या करता है कि डेटा जो है ये यूआई को प्रोवाइड कर देता है, ये वाला डेटा। ये जो डेटा है गाइस, जस्ट अ मोमेंट आई एम गोइंग टू चेंज द सेटिंग टू अनम्यूट इट सो विल नॉट गेट एनी। ये जो सर्वर है इसे कहा जाता है बैकएंड। इसका जो डेटा है ये कैसे डेटा देता है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग है ये कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करते हैं, जावा, पाइथन, नोड जेएस, पीएचपी, रूबी एंड रेल्स, ग्रूवी, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इससे बैकएंड की सारी कोडिंग की जाती है। जो भी लॉजिक है, वैलिडेशन, ऑथराइजेशन, ये सारा जो है सर्वर करता है। जब आप ये कोर्स करते हो या ये सब सीखते हो, जावा ये सब, तो आपको बैकएंड डेवलपर कहा जाता है। और जब आप लोग HTML, CSS और बूटस्ट्रैप सीखते हो और वेब पेजेस जो डिज़ाइन करते हो, एप्लीकेशन का जो मेन UI पार्ट है, चेहरा है कि कैसे दिखना चाहिए, ये डिज़ाइन करते हो, तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर, डिज़ाइनर, UI/UX डिज़ाइनर कहा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि वेब बेस जो UI इंटरफेस है और ये सर्वर का जो कॉम्बिनेशन है, सर्वर इसे डेटा कैसे देता है और ये कैसे दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग UI पे जाएंगे, एक ब्राउजर पे मेक माई ट्रिप पे हम लोग जाते हैं। देखो मेक माई ट्रिप आप लोगों को पता ही होगा, मेक माई ट्रिप क्या है। ये देखिए ये मेक माई ट्रिप है। अगर आप, मैं एक नेटवर्क टैब ओपन करता हूँ इसका ताकि मैं आपको डेटा दिखा सकूं, सर्वर से डेटा कैसे फॉर्मेट में आता है और आप लोग कैसे दिखाते हो। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट। मैं ट्रेन जर्नी या बस का डेटा सर्च करता हूँ। लेट्स सी सर्च। ये देखो ये सारा डेटा आपको इतना अच्छा से दिखाई दे रहा है। मैं ये थोड़ा सा इसे बंद कर देता हूँ। ये देखो आपको ये अच्छे से डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसके कोड में अगर आप जाओगे तो ये रॉ डेटा दिखाई देगा। कैसे फॉर्मेट में दिखाई देता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जेसन प्लेस होल्डर, ऐसे फॉर्मेट में डेटा जो है सर्वर देता है। अभी हमारे पास दो कंपोनेंट है, अगर आप देखोगे तो मैं एक बार वापस से अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक है हमारा UI पार्ट, जिसे आप कह सकते हैं UI पार्ट वेब, और दूसरा होता है हमारा कंपोनेंट जिसे कहा जाता है सर्वर। ठीक है, सर्वर जो है डेटा इसे प्रोवाइड कर देता है। कौन से फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करता है, तो अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करता है। क्या अगर किसी यूजर को ऐसा, या आपको मैंने बोला है कि चलो आप रेलवे का टिकट बुक करो, तो ऐसे डेटा से आप लोग रेलवे का टिकट बुक कर सकते हो क्या? क्या इस फॉर्मेट में, इस SBI का अगर आपको डेटा ऐसे दिखाई देगा तो क्या आपको समझ में आएगा क्या ये फॉर्मेट में डेटा अगर आपको दिखता है तो? कोई भी यूजर इसे यूज कर पाएगा क्या अच्छे से? नो। तो जो सर्वर डेटा देता है ऐसा रॉ डेटा देता है, इसे जेसन डेटा कहा जाता है, जो इस टाइप में डेटा आता है। और UI या फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है
इस तरह से अच्छे से उसे कलरफुल इमेजेस डाल के, लोगो डाल के, ये जो मेन्यू बार है, ये फॉर्म है, इसमें बना के दिखाना। और जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में एक्सपर्ट होता है उसे कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर। ओके, अब फुल स्टैक डेवलपर का स्कोप क्या है लाइफ में? जॉब जो है, आप अभी किसी का साइट डिजाइन करके अपलोड करके दे देते हो तो नहीं तो आपको 2 या 3 हजार रुपए तो कम से कम मिलते ही है। मिनिमम 2 या 3 हजार तो मिल ही जाते हैं। एक साइट बनाने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, फ्रीलांसिंग करते हो तो। और अच्छा डिजाइन करके दे देते हो तो वही साइट अलग अलग जगह पे जाती है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो क्या स्कोप है, मैं वो दिखा देता हूँ। क्या मेरी ब्राउजर दिखाई दे रहा है, पूरा ब्राउजर विवेक? आर यू एबल टू आशीष? आर यू एबल टू सी स्क्रीन? हेलो, आर यू एबल टू सी? सो यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर जॉब्स इन मुंबई, अगर आप सर्च भी करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो जॉब्स है आपको अवेलेबल मिलेगी। ये 51 जूनियर, ये इतने सारे जॉब आपको अवेलेबल रहते हैं। ईपैम सिस्टम, अगर आप बैकएंड डेवलपर करते हो, मोस्ट ऑफ द बैकएंड डेवलपर ऑलरेडी अपने यहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है। बैकएंड डेवलपर, जॉब्स, अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो देखो आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे 100+, 16,000+ बहुत सारे जॉब जो है अवेलेबल मिलेंगे। जॉब की कमी नहीं है आपको। एग्जैक्टली ये जो स्ट्रक्चर है, ये वेब जो है, आपको बनाना आना चाहिए और बनाकर आपको होस्ट करना आना चाहिए। तो ये होस्टिंग बना के, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बना के, ये जो डिजाइनिंग है, ये ओनली जो डिजाइनिंग है, ये पूरा डिजाइनिंग पार्ट आपको सिखाया जाएगा। देन सिखाने के बाद इसे ऑनलाइन किस तरह से होस्ट किया जाता है ये भी सिखाया जाएगा। ये सारा कवर किया जाएगा, ये वीक में, इंटायर वीक में आपका ये कवर हो जाएगा। बहुत इजी है। और ये जो डेवलप करने के लिए आपको चाहिए, बस HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। ये तीन चीजें करने से आप परफेक्टली डिजाइन कर पाओगे कोई भी साइट। अभी आपको जस्ट नॉर्मल एक फॉर्म बना सकते हो, बट पूरा का पूरा पेज अगर अच्छे से आपको डिजाइन करना हो तो ये करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज आ जाएगा फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ये जो पार्ट कवर करता है, ये डिजाइनिंग का पार्ट कवर होता है। ये जो पार्ट होता है, ये इससे आप अच्छे अच्छे से खूबसूरत पेजेस डिजाइन करोगे, एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। ये डिजाइन पार्ट है। दूसरा जो होता है, इंटीग्रेशन पार्ट जो होता है, वो आप एंगुलर, रिएक्ट से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये डिजाइनिंग आना जरूरी है। सो एप्लीकेशन में आप लोगों को पहले यूआई पे ध्यान देना है, जो सीखना होता है उसके लिए HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। और सर्वर साइड में हम लोग कवर कर रहे हैं बाकी जो बैकएंड डेवलपर है, जावा एंड स्प्रिंग बूट,
माइक्रो सर्विसेस। सो आफ्टर दिस, ये करने के बाद ईच एंड एवरी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो बहुत अच्छा होगा और वर्किंग प्रोफेशनल दिखाई देगा। सो ये मंडे टू संडे, दिस मंडे टू अपकमिंग संडे, ये पूरा प्रोग्राम जो है HTML, CSS एंड Bootstrap का ये कवर हो जाएगा और हम लोग उसे लाइव, हमारे पास एक एप्लीकेशन बनानी है, एक डिज़ाइन करना है, तो वो भी आपको डिज़ाइनिंग भी सिखाया जाएगा पूरा लाइव, और हम लोग उसे होस्ट भी करेंगे और आप लोग फिर कहीं से भी उसे देख सकोगे और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको कम्प्लीटेशंस का। और जिसे जो सबसे अच्छा वेब पेज एप्लीकेशन डिज़ाइन करके देगा उसे इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा, जिन्होंने अच्छे से पेजेस डिजाइन किए हैं। बहुत सिंपल है। सो नाउ क्वेश्चन आंसर गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो वन बाय वन प्लीज आस्क मी क्वेश्चन रिगार्डिंग, आप अनम्यूट होके पूछ सकते हो क्वेश्चन। विवेक, सर याचे काही चार्जेस वगैरे आहेत का म्हणजे कोर्सचे? वन वीक चा जो आहे त्याचे चार्जेस आहेत 399 rupees ओनली। याच्यामध्ये तुम्हाला सर्टिफिकेशन, होस्टिंग, लाइव प्रोजेक्ट आणि पूर्ण डिझायनिंग शिकवली जाईल। म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही HTML, CSS सगळं कव्हर करणार, बूटस्ट्रॅप वगैरे? हो हो, HTML, CSS, बूटस्ट्रॅप सगळं कव्हर करणार त्याच्यामध्ये। ओके सर, टाइम काय असेल? टाइम जो आहे हा 7:30 चा आहे आज ऑफ नाव, डेली 7:30। आणि आपल्याकडे जेवढे काही रेकॉर्डेड सेशन असतील ते प्रायव्हेट यूट्यूब प्लेलिस्ट वर ठेवले जातील आणि ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं जाईल त्यांना त्या प्लेलिस्टचा ऍक्सेस दिला जाईल, जेणेकरून तुम्ही कधीही ती प्लेलिस्ट बघू शकता। सो ज्यांना रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, ज्यांनी तुम्ही सगळ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलंच असेल, तर फीस पे करायची आहे आणि स्क्रीनशॉट शेअर करायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला जी काही नवीन लिंक मिळणार आहे लेक्चरची त्याला रजिस्ट्रेशन करायची गरज नाही पडणार, डायरेक्टली तुम्ही करू शकाल जॉईनिंग। फीस आता पे करायचं आज उद्या कधी? सोमवारच्या अगोदर। ओके सर। ओके, आणि फीची जी डिटेल आहे ती मी तुम्हाला व्हॉट्सअप थ्रू पाठवतो। सर ऑफिस मध्ये येऊन पे केली तर चालेल का? ऑफिस मध्ये, क्लासेस मध्ये आता सध्या ओमिक्रॉनचा बरच कोरोनाचा नवीन गोष्टी आहेत, तर काही रिस्ट्रिक्शन्स लागलेले आहेत, तर त्याच्यासाठी बघावं लागेल, कारण की जास्त गर्दी होता येत ठेवता येत नाही तिथे, जास्त गर्दी करता येत नाही, म्हणून कदाचित 90% तर नाहीच आहे। ऑनलाईन करू शकता, गुगल पे, फोन पे, 399 rupees फीज आहे। आणि अदर क्वेश्चन गाईज, सर ओनली वन वीक चा असेल ना, म्हणजे या मंडे टू नेक्स्ट संडे ला फुल कंप्लीट होऊन जाईल? हा, वन वीक चा आहे, पण तुम्हाला जर का काही डाऊट असतील तर तुम्ही कधीही ते डाऊट विचारू शकता, कधीही कव्हर करू शकता, टाइम लिमिट नाही आहे त्याला, तुम्ही विचारू शकत नाही, तुमचे काही प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे असतील तर तुम्हाला मेंटर मिळतील, त्याला नाही आहे, तुम्ही जेव्हा जेवढं तुम्ही काम कराल जेवढ्या तुम्हाला इश्यूज येतील, एरर येतील, ते सॉल्व करून दिले जातील। द मेन मोटिव हा आहे बिकॉज ऑफ ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटमध्ये जेव्हा तुम्हाला रिअल
बॅकएंड कडून डेटा तुम्हाला फेच करून तिथे बाइंड करायचा असतो तर खूप प्रॉब्लेम तिथे अकर होतात, म्हणजे तुम्हाला करता येत नाही तो. त्याच्यामुळे हा वर्कशॉप ठेवण्यात आलेला आहे. आणि आपले जे काही मोस्ट ऑफ द जे काही जॉईनी आहेत ऑलरेडी बॅकएंड डेव्हलपर आहेत, मोठमोठे सॉफ्टवेअर बनवणार आहेत आणि ऑलमोस्ट ऑल जॉईनिंग्स आहेत, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला हा एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रॅप खूप इम्पॉर्टंट आहे. सर, एज अ थिअरी सेशन आणि प्रॅक्टिकल सेशन असं वेगळं असेल का दोन्ही एकत्र? थिअरी फार कमी आहे, थिअरी इज 1% अँड 99% प्रॅक्टिकल आहे याचा, कारण याच्यामध्ये थिअरी नसतेच मुळीच, प्रॅक्टिकलच जास्त आहे, थिअरी पार्ट. हॅलो सर. हा जयप्रकाश, आप पूछिए. सर, क्लासेस में आके भी फीस दे सकते ना? हाँ, आप दे सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कितना बजे. आप अगर इवनिंग को आते हैं तो अच्छा है, या आफ्टरनून को जहाँ पे रश बहुत कम होता है. प्रीतम, तू दोपहरा यू शक्तोस, और जयप्रकाश आप इवनिंग को आ सकते हैं, बट बाकी मॉर्निंग में बहुत ज्यादा रश होता है. टाइमिंग सेंड कीजिए. ओके, ठीक है, टाइम तुला व्हाट्सअप वर पाठवतो. सर, हा टाइमिंग सेम असणार 7:30? हो, 7:30 हा टाइमिंग असणार. सर, 375 ना? 399. ओके सर. 7:30 अपटिल 7:30 असेल. हा, ही जी बॅच असेल ती 7:30 असेल. हा सर, पण किती वाजेपर्यंत? 7:30 to 8:30. ओके सर. मग आपलं 7 days मध्ये होऊन जाईल ना? हा, होऊन जातात. तनु, वैष्णवी, काय विचारायचंय? नाही सर, काय डाऊट नाही. ओके, ठीक. थँक्यू ऑल. थँक्यू सर. दत्ता मंदिर. दत्ता मंदिर.